हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबों का मेरे किचन में। तो सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और साबूदाना के बड़े की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हाँ, मैंने साबूदाने लिया है। तो सबसे पहले तो साबूदाने को 4-5 पानी खूब अच्छे से इसे वाश कर लेंगे, ताकि ऊपर की जो भी गंदगी होगी वो साबूदाने से निकल लेगी। और यहाँ मैंने वाश कर लिया है। अब हम इसे एक कटोरे में डालेंगे और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे 5 से 6 घंटे पानी में सोख करने के लिए, फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मेरे साबूदाने काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो इसे मैं उंगली में मैश कर रही हूँ ना, तो वो अच्छे से टूट जा रहे हैं। तो अब हम इसे खूब अच्छे से छान लेंगे छन्नी में लेकर। तो यहाँ मैंने छान लिया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसमें से वो निकल जाए। और छानने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि सारे पानी निकल जाए। और यहाँ पानी निकल गए हैं। अब इसे एक बड़े से बर्तन में मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से काली मिर्च, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कटी हुई अदरक, 2 हरी मिर्च और ये धनिया की पत्ती। अब कोई भी मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का आलू, ये बॉयल आलू है। उसे अच्छे से मैश कर लेंगे और साबूदाने में हम इसे ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये सेना नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। और इन सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले साबूदाने और आलू के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ताकि और यहाँ देखिए खूब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से 1/4 लेमन लिया है, और लेमन का रस इसमें हम डालेंगे, और ताकि इसमें टेस्ट जो है ना कुछ चटपटा इससे आता है। और ये देखिए अब अच्छे से बाइंड हो जा रहे हैं, आलू हमने डाला है इसलिए। और अब हाथों में लेकर इसकी हम एक टिक्की का शेप बनाएंगे। तो बहुत बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि फिर हमें इसे फ्राई करना है ना, तो ज़्यादा बड़े बनाएंगे ना तो वो अंदर से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसे कुक होने में। तो मैं यहाँ छोटे छोटे ही बना रही हूँ ये इस तरह से, आप देखिए। तो यहाँ मैंने सारे टिक्की जो है बना लिए हैं। और यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, और एक एक करके सारे टिक्की को हम इसे डालेंगे। तो गैस का टेम्परेचर बहुत हाई मैंने नहीं रखा है, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें कुक करना है। और थोड़ी देर के लिए टिक्की डालने के बाद हमें छोड़ देना है। यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह से चिपक गए हैं, लेकिन ये चिपके नहीं हैं। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो इसे मैंने दूसरी साइड से भी इसे पलट लिया, और यहाँ देखिए अब कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, गोल्डन, एकदम क्रिस्पी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं साबूदाने और आलू के ये टिक्की। तो इसे आप व्रत में बहुत ही आराम से चाय के साथ खा सकते हैं, और धनिया और आंवले की चटनी मैंने इसके साथ बनाई है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। तो इसे थोड़ा सा हम छन्नी में स्टेनर में ले लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और फिर से वैसे ही डाल लिया। यहाँ मेरी सारी टिक्की बनकर रेडी है। तो यहाँ मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, और सर्व मैं इसे कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गए, ऊपर से बिल्कुल क्रंची और नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं ये। तो अभी ये थोड़े गर्म है, तो मैं दूसरा तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल ही क्रंची। और ये लीजिए, यहाँ मैंने धनिया और आंवले की चटनी जो बनकर हमारी रेडी है, और इसमें मैंने पुदीना भी डाला है, और इसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है व्रत में। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।